अच्छा शीर खुरमा नहीं बनाया जितना अच्छा मेकअप करके अपना मुंह बना लिया। चलो हटो, तुम तो चाहते हो कि मैं बिल्कुल खूबसूरत नजर ना आऊं। अरे जब तुम खूबसूरत नजर आओगी और फिर बाहर जाओगी तो लोग तुम्हें देखेंगे, और जब लोग तुम्हें देखेंगे तो फिर मुझे गुस्सा आएगा, जरूर आएगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। अपने मामू को तुम्हारा रिश्ता लेके आए, शुक्र अदा करो मुझे तुम्हारे मामू का इंतकाल हो गया। अगर वो ना मां तो अब मैं उनको मार देता तुम्हारे साथ शादी कराने के जुर्म में। अरे तुम क्या मारोगे किसी को, तुम तो खुद मरे मराए हो। अरे बेगम तुमने ही मेरा ये हाल खराब किया है, तुम्हारा माजी भी खराब था और तुम्हारे साथ रहने की वजह से मेरा मुस्तकबिल भी खतरे में है, समझे। अच्छा अच्छा बातें मत बनाओ, जल्दी करो जाके बर्तन धो। तुम्हें मालूम है ईद के पहले रोज मेरे वाले आते हैं बेगम, ये 12 महीने तुम्हारे महके वाले आते हैं। अगर कभी कोई ससुराल वाला आ जाए तुम्हारा, वहां का कोई रिश्तेदार आता है तो तुम इतना छिड़ती हो तुम्हारे सर में दर्द हो जाता है। बेगम चांद रात को जब तुम्हारी खाला और उनका खानदान जो पूरा दावत खाके गया यहाँ से, वो बर्तन बगैर धुले रखे हुए हैं और पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है, बर्तन बगैर अब क्या होगा लमिया। फिक्र ना करो, एक आदमी साहब के घर में केले का दरख्त है ना, वहाँ के पत्ते ले आऊंगा, बर्तनों का मसला तो हल हो जाएगा भाई। वो तुम्हारी तो शक्ल से ही मालूम होता है कि तुम पत्थर के जमाने के इंसान हो। तो बताओ मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, तुम्हें गलती से इंसान कह दिया, तुमने बुरा तो नहीं माना मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तुम्हारी अम्मा को खुदा बख्शे, जिसकी उम्मीद नहीं है वो तुम्हें कितना कहती थी इंसान बन इंसान बन। अरे वो तो प्यार करती थी भाई। अरे उन्हें तुम्हारे इंसान पर शक था, जब ही तो कहती थी। अबू मैंने अपनी मम्मी के पैसों से मोती खरीदा है, आइए आपको भी दिखाऊं। अरे गुड्डू पैदा तुमने बहुत खरीद लिया। अम्मी हमारे घर में भी तो मोती होना चाहिए। अरे बेटा दूसरा लाने की क्या जरूरत थी। अम्मी ने आपकी बात समझा नहीं। बेटा अम्मी यह बात बच्चों के समझने की नहीं होती है। तुम जाओ गुड्डू बेटा, तुम जाके अपनी मोती को खाना खिलाओ, जाओ शाबाश। हाय बेगम वफादारी में तो मैं मोती से भी आगे हूँ, अगर वफादार ना होता ना तो तुम्हारी ज्यादतियों की वजह से कब का ये घर छोड़कर चला जाता मैं। घर छोड़ के जाते तो लोग यही कहते कि धोबी का कुत्ता न घर का न घर का। उड़ाओ मजाक उड़ाओ खूब। अच्छा जरा फ्री होने की कोशिश मत करो, जाओ जाके बर्तन धो। बेगम ये आज मैंने बगैर पानी के गुस्ल किया है, बगैर पानी के बर्तन कैसे धुलेंगे भाई। मेरी बला से कहीं से भी पानी लाओ, कुछ देर बाद मुझे सारे बर्तन बिल्कुल साफ चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कैसे साफ और चमक रहे हैं बर्तन आपके। देखिए बेगम बर्तन कितने साफ हो गए हैं। वाह आपने तो कमाल कर दिया आप। वाह भाई वाह, अल्लाह का शुक्र है, ग्रेट बढ़िया मेरा भाई, तुमसे आप पर आ गया मैं। अच्छा ये बताओ पानी कहाँ से लाए। बेगम ये बर्तन बगैर पानी के धुले हैं। गुड्डू के मोती ने चाट चाट के साफ किए सारे बर्तन। ये महीना वैसे तो शव्वाल का शुरू हुआ है, लेकिन शादियों का भी इस खाके में जिस शादी की बात हो रही है वो आप खुद ही समझिए। अरे बेगम ये मीठी ईद है, मिठाई तो खिला दीजिए। अरे मुझे आपकी अम्मी के यहाँ से मिठाई आई थी ना, वो ले आइए ना। आपको शुगर है, मिठाई खाने से आपकी खराब हो जाएगी। बेगम ससुराल का माल खाने से कुछ नहीं होता भाई। आपसे शादी हुई है, आप ससुराल के माली पर तो पल रहे हैं। मुंह पर झूठ बोलना तो कोई हाथ से सीखे। और इसकी चार दुकानें मेरे अब्बा ने मुझे जहेज में दी थी, दुकानों का किराया खा खा कर तुम पढ़ रहे हो। देखिए मुझ जैसा मुर्गा, खूबसूरत मुर्गा देखकर आपके अब्बा ने दाना डाला था जी, उनसे दाना डालकर मुर्गा पकड़ने में जा गया। अब्बा तो असली मुर्गा
نکلا وہ بھی بھٹا مرا. اچھا آپ جلدی سے مٹھائی لے آئیے, بس جلدی لے آئیے. آپ تھوڑی سی مٹھائی کھائیں گے نا تو آپ کی طبیعت جائے گی. ارے بیگم, ایک وہ وقت تھا جب ہم ایک کلو مٹھائی کا ڈبا منٹ میں ختم کر دیا کرتے تھے. شبرات کا حلوہ کھانے کے لیے لوگ مجھے سب سے آخر میں بلاتے تھے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میرے ابا نے غلطی سے حلوہ کھانے کے لیے سب سے پہلے بلا دیا تھا آپ کو, اور باقی مہمانوں سے شرمندگی اٹھا دی پڑی. بھائی یہ بتاؤ کہ تمہاری شوگر کا کیا حال ہے؟ ارے بھائی شادی کے دو سال بعد شوگر ہو گئی تھی ہمیں. اچھا اب تو ماشاء اللہ 18 سال کی ہو گئی ہے. اچھا ارے تم سناؤ تمہارا بلڈ پریشر کیسا ہے؟ بلڈ پریشر بھائی 20 سال پہلے بلڈ پریشر ہوا تھا, پورے 20 سال کا ہو گیا ہے. 20 سال کا جوان ماشاء اللہ نظر نہ لگے بھائی. بھائی میری شوگر ہو گئی 18 سال کی. اچھا اور تمہارا بلڈ پریشر 20 لگا. بھائی دیکھو ایسا کرتے ہیں میرے بلڈ پریشر کے ساتھ تمہاری شوگر کی شادی کر دیتے ہیں. آج کل ساتھ دلہا دلہن دونوں گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, یہ دونوں بھی چلے جائیں گے اور ہم دونوں آزاد ہو جائیں گے.